गाजीपुर से है, जहां सदर अनुमंडल के सदर अस्पताल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निरीक्षण किया। इस दौरान नित्यानंद राय के द्वारा सदर अस्पताल में बनाए गए पीकू वार्ड का निरीक्षण किया गया। नित्यानंद राय ने पीकू वार्ड में बनाए गए अतिरिक्त बेडों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। दरअसल कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर को लेकर पीकू वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाए जाने की रणनीति बनाई गई थी, इसी कारण केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसका निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां भी गए, जहां सदर अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन गैस प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नित्यानंद राय ने सदर अस्पताल की व्यवस्था पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि अस्पताल के पीकू वार्ड में जो पहले 10 बेड का हुआ करता था, उसे 25 बेड का किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी संख्या और बढ़ाए जाने पर विचार चल रहा है, ताकि संकट की घड़ी में आम आवाम को राहत पहुंचाई जा सके। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सदर अस्पताल परिसर के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया और पातेपुर के बहुआरा में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण चल रहा है, जिसे आम आवाम को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 अस्पतालों की भी सुविधा को दुरुस्त किया गया है, जो स्वास्थ्य विभाग का एक बेहतर कदम है। कुल मिलाकर नित्यानंद राय ने अपने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बताते हुए संतोष जाहिर किया। तो प्रगति है, 10 से 25 पीक वार्ड बढ़ गया, यह प्रगति है। 25 से और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ सदर हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री केयर फंड से यहाँ ऑक्सीजन लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में एक बिहार सरकार की अनुमति से उसके देख रेख में एक प्राइवेट कंपनी पर डे 1500 गैस सिलेंडर बनाने का यूनिट लगा रही है। इसी जिला में बहुआड़ा में मेरे सांसद निधि से एक ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। कोविड के समय भी थी यहाँ लगभग 100 बेड का एक और 60 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था। ईश्वर नहीं करेगी किसी को जरूरत पड़े, लेकिन जितनी आवश्यकता कोविड से संक्रमित लोगों को बेड की या अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी, वह कोविड हॉस्पिटल से मिला है। यह अपना जिला प्रशासन, सामाजिक लोग, सामाजिक संस्थाएं और यहाँ के सभी माननीय विधायक, सभी यहाँ के सांसद और हाजीपुर के विधायक भी तो इसकी पूरी देख रेख ही कर रहे हैं। तो एक संतोषप्रद स्थिति है। तो जिस प्रकार से आगे अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर भी हिंदुस्तान में अपना प्रकोप बढ़ा सकता है, उसके हिसाब से वैशाली जिला में तैयारी चल रही है, तैयारी संतोषजनक है।